हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज अवस्थी देखिए आज जो हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं एन ज्योग्राफी क्लास सेवेंथ क्लास ओके तो सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफी है ओके तो okay, इसके चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें चैप्टर नंबर वन में आपके सामने लेके आया हूँ और चैप्टर नंबर वन एक सिंगल लेक्चर में मैं, मैं कंप्लीट करा दूंगा थोड़ा बड़ा चैप्टर होगा बट इसमें सब कंप्लीट करा देंगे ओके तो चैप्टर नंबर वन है और चैप्टर नंबर वन अगर आप देखेंगे एन का तो वो है एनवायरमेंट ओके सो तो हम ये एनवायरमेंट जो पहला चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे ओके इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इन साइड आर अर्थ अपना सेकेंड चैप्टर होगा इस तरह हम सेवेंथ क्लास की भी जोग्रफी एन सी करेंगे ओके सो तो लेट स्टार्ट स्टार्ट करते हैं इसको सबसे पहले अगर आप देखेंगे वहां पर स्टोरी टाइप का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है तो आप सोचेंगे सर इसमें स्टोरी में पढ़ना क्या है देखिए पढ़ना क्या है सबसे पहले तो एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है वॉट डू मीन बाय एनवायरमेंट वहां पर एक स्टूडेंट टीचर से पूछता है तो टीचर उसको कह देती है एनवायरमेंट का मतलब क्या है वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग जो भी तुम अपने सराउंडिंग में देखते हो वो सब एनवायरमेंट है तो वो तो सामने गाड़ी भी देखता है ह्यूमन बींग्स भी देखता है एनिमल्स भी देखता है बहुत कुछ देखता है ये मार्कर देखता है स्मार्ट बोर्ड देखता है बहुत कुछ देखता है तो एवरीथिंग इज़ एनवायरमेंट वट शी सेट वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग वो सब एनवायरमेंट है ओके okay. यहां पर उसने तो बदलोगे क्या देखते हो उसने कहा भाई मैं सम ऑब्जेक्ट्स ऐसी चीजें देखता हूं जो कुछ नेचर ने क्रिएट किया जैसे कि मैं माउंटेंस देख रहा हूँ रिवर्स देख रहा हूँ ट्रीज देख रहा हूँ एनिमल्स देख रहा हूँ कहा ठीक है ये भी एनवायरमेंट है ओके okay. उसने और कुछ आर मेड बाय पीपल मतलब कुछ चीजें वो देख रहा है जो नेचर ने बनाई है उनको वो देख पा रहा है फॉर एक्जाम्पल उसके सराउंडिंग में और कुछ चीजें ऐसी देख रहा है जो ह्यूमन बींग्स ने बनाई है जैसे कि रोड कार क्लोथ बुक्स मार्कर स्मार्ट बोर्ड फॉर एग्जाम्पल तो ये सब क्या है सराउंडिंग है बेसिक इंट्रोडक्शन ये है कि वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंट चाहे वो नेचर द्वारा बनाई गई हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाई गई हो होके okay? तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन यहां पर दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं एनवायरमेंट आगे लिखा होगा एनवायरमेंट जो है इज आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम है अब आप कहेंगे कैसे बिल्कुल है आप देखिए आप पानी को देख रहे हैं फॉर एग्जांपल आपके सराउंडिंग में है तो बिल्कुल आप पानी आपके लिए जरूरी है याद वाटर वी ड्रिंक फूड आप देख रहे हैं फूड वी ईट रिमेंबर लैंड देख रहे हैं जहां पर आप रहते हैं मतलब ये जो सराउंडिंग्स में मैं देख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए तो स्मार्ट बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है तो ये भी एक एनवायरमेंट का पार्ट है तो ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो याद रखिए दे आर द एनवायरमेंट इज अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एयर वी ब्रीथ रिमेंबर तो बिल्कुल एनवायरमेंट इज अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि एनवायरमेंट हमको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहा है देखिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम आपको खाने के लिए पीने के लिए सांस लेने के लिए एयर के लिए रहने के लिए एवरीथिंग इज प्रोवाइड बाय होम दैट इज एनवायरमेंट क्योंकि सराउंडिंग में तो यही चीजें हैं ओके okay. आगे अगर बढ़ें तो एनवायरमेंट अगर आप देखेंगे आपके बगल में बॉक्स बना हुआ है वह एनवायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड जो है वहां से निकला हुआ है याद रखिएगा तो उसका नाम है एनवायनर याद रखिएगा तो एनवायरमेंट यहां से एनवायरमेंट बना है इसका मतलब क्या होता था इसका मतलब होता है नेबरहुड अभी आपने पढ़ा है Anything which is surrounding में जो है उसे हम हैं कहते हैं environment. तो एक तरीके से यहीं से एनवायरमेंट वर्ड हुआ है, याद That is तो हमारे नेबरहुड या तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं रिमेंबर ठीक है फिफ्थ जून एक बात ये भी याद रखना आपको जो फिफ्थ जून है उसको हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं रिमेंबर फिफ्थ जून इज रिमेंबर तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है ओके okay? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्स ऑफ एनवायरमेंट एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक आपके में मेंशन है याद रखिएगा और जून याद रखिएगा एनवायरमेंट डे बनाते हम है ना अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट अब यहां से स्टार्ट करते हैं ओके तो अब यहां पर सबसे पहले एक बार एनवायरमेंट की फिर से डेफिनेशन दी हुई है अभी हमने देखा जो हमारे एनवायरमेंट कहते हैं ये तो एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन होगी आगे डेफिनेशन क्या लिखी एनवायरमेंट की प्लेस हो पीपल हो या कोई भी थिंग्स हो चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो या देखिएगा या नेचर हो ऑफ कोर्स नेचर तो हम एक तरीके से जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो नेचर देखते होंगे ऑफ कोर्स आपको इतने हरियाली दिखती होगी ठीक है वे अगर आप विंटर्स में जाते होंगे तो आपको स्नोफॉल वगैरह मतलब नेचर में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है रिमेंबर तो यार देखिए प्लेस हो पीपल हो कोई भी थिंग हो चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे वो नेचर हो दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं मेरे अराउंड चाहे वो लोग हो प्लेस हो कोई थिंग हो या कोई नेचर हो या देखिएगा उसको मैं क्या कहूंगा एक लिविंग बींग्स के अराउंड अगर वो सराउंड कर रहा है उसको कहेंगे हम क्या दैट इज एनवायरमेंट रिमेंबर तो आई थिंक आपको ये डेफिनेशन जो है वो यहां पर लिखिए मतलब कुल मिला वही कह रहा है वट यू सी इन द सराउंडिंग इट कुड बी प्लेस इट कुड भी पीपल इट कुड भी थिंग्स इट कुड अ नेचर ओके दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एनवायरमेंट ओके आगे इसके दो कंपोनेंट दिए गए हैं एनवायरमेंट के एक है नेचुरल कंपोनेंट और एक है ह्यूमन एनवायरमेंट

रिवर माउंटेन्स ये सब नेचर ने बनाया हुआ है तो ये क्या हो गई याद रखिए नॉन लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है बट नेचुरल के अंदर आएंगे क्योंकि इसको याद रखिएगा ह्यूमन बींग से नहीं बनाया है, कि माउंटेन्स ह्यूमन बींग से बनाया रिमेंबर तो आई होप आप समझ रहे होंगे बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एनिमल्स जो कि नेचर द्वारा बनाए गए हैं ए बायोटिक क्या जो कि नॉन लिविंग एलिमेंट्स आते हैं इसमें याद रखिएगा और नॉन लिविंग में अब आप कह सकते हैं बिल्डिंग भी नॉन लिविंग है बट वो यहां पर आपने नहीं लिखी क्यों क्योंकि बिल्डिंग जो है वो नेचुरल एनवायरमेंट के अंदर काउंट नहीं होगी रिमेंबर ठीक है वो ह्यूमन एनवायरमेंट के

ये तीन की वर्ड है एक्टिविटीज मतलब ह्यूमन बीइंग्स फॉर एग्जांपल जो भी एक्टिविटीज करते हैं जैसे हम पेड़ लगाते हैं फॉरेस्टेशन या डिफॉरेस्टेशन कोई भी एक्टिविटी हो सकती है ठीक है और एक्टिविटी और क्रिएशन बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स बहुत कुछ क्रिएट करते हैं जैसे पार्क्स हो गया बिल्डिंग हो गई ब्रिजेस हो गए रोड्स इंडस्ट्री मॉन्यूमेंट बहुत कुछ है जो कि ह्यूमन बींगस क्रिएट करते हैं और इंट्रैक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स इंट्रैक्शन मतलब आपस में ह्यूमन बींग्स इंट्रैक्ट करते जैसे मैं किसी का चाचा हो गया वो मेरा छोटा भाई हो गया फॉर एग्जाम्पल तो ह्यूमन बींग्स का भी आपस में इंट्रैक्शन रहता है रिमेंबर आपस में इंट्रैक्ट करते रहते हैं रिलेशन वाइज हो सकते हैं रिमेंबर ठीक है सो एक तरीके जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो आप एक सोसाइटी डेवलप कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने एक सोसाइटी बना ली आपस में आप लोग इंटरेक्ट करते हैं और आपने एक सोसाइटी डेवलप कर ली ओके okay? तो आप ऑफकोर्स एक सोसाइटी बना सकते हैं कि नहीं आपके परी फैमिली भी बना सकते हैं आप सोसाइटी बना सकते हैं रिमेंबर तो बहुत कुछ आपस में इंटरेक्ट करके फॉर रिलेशन बना लिया आपने रिलेशन बनाए तो एक तरीके से फॉर पर्टिकुलर एरिया की एक सोसाइटी हम कह सकते हैं रिमेंबर सोसाइटी जरूरी नहीं कि बड़ी चीज़ होती है सोसाइटी कोई छोटी चीज़ की भी कह सकते हैं फॉर एक्जाम्पल मेरे गाँव में पर्टिकुलरली दस फैमिलियों को मिली एक सोसाइटी बन सकती है रिम्बर आपस में हम लोग बात करते हैं इंट्रैक्शन करते हैं रिमेंबर पूछते हैं और सब क्या चल रहा है आपस में भाई बहन है सब तो एक सोसाइटी बना सकते हैं हम रिमेंबर ठीक है उसमें हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं सोसाइटी में बहुत कोई हो सकता है रिम्बर तो क्या लिखा मैंने एक्टिविटीज हो क्रिएशन और इंट्रेक्शन अमंग द ह्यूमन बींगस एंड विद द एनवायरमेंट मतलब याद रखिएगा इंट्रैक्शन अमंग द ह्यूमन बीग्स आपस में इंट्रेक्शन हो ह्यूमन बींगस और विद द एनवायरमेंट एनवायरमेंट के साथ भी इंट्रेक्शन जैसे अभी आपने देखा ना आपने ए फॉरेस्टेशन किया डिफॉरेस्टेशन किया तो आपका एनवायरमेंट के साथ इंट्रेक्शन कर रहे हो कि नहीं कहीं आप पेड़ को लगा रहे हो कहीं पेड़ आप कट कर रहे हो रिमेंबर तो याद रखिएगा वॉट इज ह्यूमन एनवायरमेंट ये आपको याद रखना बाकी इसको डिटेल में डेफिनेशन आगे मैं और क्लियर करूंगा अभी बस याद रखना एक्टिविटीज क्रिएशन एंड इंट्रैक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स

एक्सपेक्टेशन करें डिफॉरेस्टेशन करें पोल्यूशन करें ओवर कंजम्पशन करें of course, ये सब चीजें आप कर सकते हैं जिससे आपके एनवायरमेंट को हार्म हो सकता है तो वट इज ह्यूमन एनवायरमेंट बेसिक यादेगा जो ह्यूमन एनवायरमेंट क्या होता है यहां पर ह्यूमन बींगस कुछ एक्टिविटीज करते हैं कुछ क्रिएशन करते हैं रिमेंबर और आपस में इंट्रैक्शन करते हैं ठीक है और इसको ही हम क्या कहते हैं दैट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट और उनका इंट्रैक्शन एनवायरनमेंट के साथ भी होगा तो फिर से अगर एक लाइन में बोला जाए ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है तो एक्टिविटीज प्लस क्रिएशन प्लस इंट्रैक्शन अमंग ह्यूमन बींगस एंड विद द एनवायरमेंट रिमेंबर सो ये डेफिनेशन हो गई किसकी ह्यूमन एनवायरमेंट की ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए ह्यूमन एनवायरमेंट में दो, दो चीजें हैं एक है ह्यूमन मेड एनवायरमेंट एक है ह्यूमन इंट्रैक्शन एनवायरमेंट ये दोनों ही ह्यूमन एनवायरमेंट के अंदर ही काउंट होंगे मेंट मतलब याद रखिएगा ह्यूमन मेड एनवायरमेंट अब ह्यूमन से जो बनाया हुआ है remember ह्यूमन ने बनाया मेड environment रिमेंबर जैसे कि humans ने parks बनाए बिल्डिंग्स बनाई है ब्रिज रोड इंडस्ट्रीज मॉन्यूमेंट्स तो में जाएगा ह्यूमन मेड के अंदर रिमेंबर ठीक है और ह्यूमन इंट्रैक्शन course human आपस में इंट्रैक्ट करते, है, है, करते हैं remember मैंने बताया आपस में इंटरक्ट करते हैं फॉर एक्जाम्पल फैमिली बनाते हैं आपस में इंटरेक्ट करके उनकी एक फैमिली रहती है फिर दोस्तों वोस्तों को भी एड करते हैं तो एक सोसाइटी डेवलप करते हैं और रिलीजन क्या रिलीजन नेचर ने बना के दिया नहीं फैसो हमारी ह्यूमन बींग्स खुद एक रिलीजन डेवलप किया जिसमें हम लोग पूजा वगैरह भी करते रहे एजुकेशन एजुकेशन में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है पूरा ह्यूमन बींग्स ये सब चीजें डिसाइड करते हैं कि नहीं पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी होंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा बहुत कुछ चीजें हैं रिमेंबर इकोनॉमिक मॉनिटरी पॉलिसी वगैरह एवरी मतलब ये सब चीजें जो डेवलप करते हैं रिमेंबर ये सब ह्यूमन इंट्रेक्शन एनवायरमेंट याद रखिएगा ये दोनों ही चीजें ह्यूमन एन्वायरमेंट के अंदर आएंगी याद रखिए चाहे वो कोई चीज क्रिएट करें रिमेंबर या तो वो किसी चीज को इंट्रैक्शन करें याद रखिएगा ठीक है तो दोनों ही चीजें एक तरीके से मैंने अलग से लिख दी हैं क्योंकि आपके में डायग्राम बना हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट का एक तो नेचुरल हुआ है ठीक है, इसको भी मैं discuss करता हूं, में, but basic समझ में समझ आ गया, और ठीक e है, और इसमें human made, जैसे बिल्डिंग वगैरह ये हो गए और ह्यूमन जो भी interaction मैंने बताया उसमें रिलीजन एजुकेशन इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन सब चीजें हो गई ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट अगर देखा अब एनवायरमेंट को डिटेल में डिफाइन किया एनवायरमेंट क्या होता है एनीथिंग सराउंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वॉज नॉट बेड बाय ह्यूम समझ गए नेचुरल एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है कोई एक लिविंग बींग है उसके अराउंड जो भी चीज सराउंड कर रही है जो कि ह्यूमन से नहीं बनाई है उसको कहते हैं हम नेचुरल एनवायरमेंट रिमेंबर जैसे कि हमारा अराउंड लैंड है वाटर है एयर है प्लांट्स है एनिमल्स है तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा नेचुरल एनवायरमेंट के अंदर आ जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेचुरल एनवायरमेंट क्लासिफाइड इनटू वेरियस डोमेन्स नेचुरल एनवायरमेंट को बहुत अलग अलग चीजों में डिफाइन किया गया जैसे कि लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एटमोसफियर और एंड ओके? ओके एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं ये हैं क्या जो कि नेचुरल मैमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो वन बाय वन सबसे पहले लिथोस्फीयर लिथोस्फीयर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं ठीक है अर्थ आपने देखी हुई है ठीक है अर्थ में सबसे बेसिक बता रहा हूं अर्थ का सबसे टॉप लेयर जो होता है उसे कहते हैं हम क्रस्ट बेसिक जानी है। आगे तो नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे अर्थ के अंदर जो होता है मतलब अगर आप एग देखते हैं तो एग बाहर हार्ड रहता है कि नहीं वो मान लीजिए क्रस्ट है उसको तोड़ दिया फिर अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है कि नहीं तो वो हो गया मेंटल ठीक है फिर अंदर आप जाते हो तो येलो येलो पार्ट रहता है उसको आप मान लीजिए कोर तो बिल्कुल अर्थ भी कुछ इसी तरह है याद रखिएगा पहले ऊपर साइड क्रस्ट फिर अंदर जाते हैं ये मेंटल और फिर अंदर जाएंगे तो कोर मिलेगा ओके अब रिमेंबर तो ये मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि मैं मैं करने वाला हूं आपको ठीक ठीक है 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 और ये बात है, बात ये बात बात जो अगर करूं आपका क्रस्ट है, है ना यहां से यहां, तक क्रस्ट हो गया, यहां से यहां तक कोर हो गया जो क्रस्ट है वो तो हार्ड और सॉलिड होगी रिमेंबर ठीक है जो मेल्टन रिमेंबर इस मेंटल में याद रखिएगा यहां बीच में ठीक है बीच में नहीं मतलब थोड़ा सा ऊपर मेंटल से में तो थोड़ा सा नीचे रिमेंबर ठीक है क्योंकि मेंटल तो यहां से स्टार्ट हो गया था रिमेंबर यहां पर एक मेल्टन मोगमा याद रखिएगा मैग्मा फाउंड होता है क्या फाउंड होता है मोल्टन मैग्मा फाउंड होता है यहां पर उसके लिए एक अलग सा नाम दिया हुआ दैट इज है क्या नाम दिया गया है एस्थेनोसियर यहीं से मैग्मा निकलता है मतलब मैग्मा कहां से निकलता है मेंटल से रिमेंबर ठीक है बट इस मैग्मा के जस्ट ऊपर अगर मैं बात करूं मेंटल का अपर पार्ट ये सॉलिड है रिमेंबर क्या है ये सॉलिड है तो क्रस्ट पूरी सॉलिड है और मेंटल सीधे स्टार्टिंग से ही सॉलिड वो, वो नहीं है सेमी मोल्टेन नहीं है क्यों क्योंकि ये जो मैग्मा है ये थोड़ा सा मेंटल के नीचे साइड में हल्का तो ये वाला पार्ट क्या हो गया ये भी सॉलिड हो गया रिमेंबर तो ये ऊपर वाला पूरा सॉलिड हो गया ठीक है और ये एस्थेनोसफियर के ऊपर वाला पार्ट मेंटल का ये भी सॉलिड हो गया इसको आप अपर मेंटल कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो लेथोस्फियर क्या होता है रिमेंबर क्रस्ट पूरा प्लस मेंटल का जो सॉलिड पार्ट है जहां तक मतलब एस्थोनोस्फियर जहां से स्टार्ट हो रहा है वो पूरे पार्ट को हम लिथोस्फीयर कहते हैं ठीक तो है, मतलब एक तरीके से के कर रहा है तो बेसिक आपको है। क्या होता है? बेसिक लोग कह देते है कि भाई वाला हो गया। वाला कहां तक का ऊपर वाला देखिए पूरा क्रस्ट और मेंटल का भी अपर मेंटल आप कह सकते हो वो भी इंक्लूड होगा सॉलिड है रिमेंबर ठीक है तो लिथोस्फियर क्या है बिल्कुल सॉलिड पार्ट आप कह सकते हो ठीक है या तो हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सिंपल से हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ कितनी होगी जिसमें क्रस्ट तो पूरा आ जाएगा प्लस मेंटल का भी अपर पार्ट आ जाएगा रिमेंबर उसको हम क्या कहते हैं तो लिथोस्फियर में क्रस्ट भी और मेंटल का भी कुछ पार्ट है ये आपको याद रखना है ठीक है और ऑफ कोर्स लिथोस्फियर किससे मिलकर बनाए लैंड है याद रखिए लिथोस्फियर है ठीक है तो इट इज अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बास इट इज मेड अपर जो आपका है हार्ड सॉलिड फॉर्म में याद रखेगा रॉक्स ऑफ मिनल से मिलकर बना हुआ है और थिन लेयर ऑफ सॉइल से क्या है एंड कवर्ड बाय थे ऑफ सॉइल तो सॉइल से वो थिन लेर से कवर्ड है यह भी पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है क्योंकि सॉइल ऊपर होती है अगर आप देखेंगे मिट्टी आपको ऊपर मिल जाएगी इेगुलर सरफेस है थ वेरियस फॉर्म्स उसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स मिलेंगे आपको माउंटेन प्लेटू, प्लेन वैली वैली क्या होता है दो माउंटेन के बीच का जो पार्ट है रिमेम्बर जहां रिवर वगैरह फ्लो करती है वैली ये सब आपको लिथोस्फियर में देखने को मिल जाएंगे रिमेंबर क्योंकि लिथोस्फियर अगर देखा है तो क्रश भी है और मेंटल का पार्ट है करीबन आप मानिए हंड्रेड किलोमीटर्स तक अर्थ के नीचे तक आपको सिर्फ मिलेगा लिथोसियर रिमेंबर तो अर्थ के हंड्रेड किलोमीटर तक बहुत कुछ मिल जाएगा ओके okay? इसमें आपको फॉरेस्ट ग्रास ये सब चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी कहां पर लिथोस्फियर में ओके लैंड फॉर एग्रीकल्चर ह्यूमन सेटलमेंट्स लोग यहीं पर रहते हैं लिथोसियर में रिमेंबर ठीक है तो और याद रखिए बहुत सारे मिनरल्स का सोर्स भी क्या है दैट इज लिथोसियर ओके सो आई होप आपको क्लियर होगा लिथोस्फियर क्या होता है ठीक है ये क्लियर होना चाहिए कि अपर सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ याद रखिएगा उसमें क्रश भी और अपन मेंटल भी है ठीक है दूसरा था हाइड्रोसफियर हाइड्रोसफियर क्या है ऑफ कोर्स याद रखिएगा जो भी पानी है रिमेंबर डोमेन ऑफ वाटर पानी जहां जहां वो सब हाइड्रोसफियर है ठीक है तो लिथोस्फियर की अगर मैं बात करूं तो लिथोसफियर तो मैंने अभी आपको बताया अर्थ में बहुत सी जगह होंगी जहां लेक होगी रिमेंबर तो बिल्कुल एक तरीके से तो लिथोसफियर का ही पार्ट होगा हाइड्रोसफियर रिमेंबर ठीक है आपने अलग से डिफाइन कर दिया है बट ये बात आपको पता हो कि लिथोसफियर पूरा सरफेस अब माली कोई लेक है तो लिथोस्फियर में ही वो लेक होगी ना तो ऑफकोर्स उसको आप पानी को कह देंगे हाइड्रोस्फियर रिमेंबर बट वो बनी तो ए, उसी लिथोस्फियर में ही होगी रिमेंबर तो इसलिए मैं लिख दिया पार्ट ऑफ लिथोसफियर ही होता है हाइड्रोस्फियर बट स्पेसिफिकली देखे जाए तो डोमेन ऑफ वाटर जहां जहां पानी है वो सब हाइड्रोस्फियर है जैसे कि पानी के क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज आप देख लीजिए जैसे कि रिवर्स हैं लेक्स हैं सी है ओशन है एटसेट्रा जहां जहां पानी है दैट इज हाइड्रोस्फियर रिमेंबर और ये एसेंशियल है किसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बिल्कुल हाइड्रोस्फियर इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म थर्ड जो है वो एटमोसफियर है एटमोस्फियर मतलब क्या अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ ऑफ कोर्स हमारे ऊपर जो थिन लेयर है आप देखते होंगे ऊपर जब कभी देखते होंगे सो so, याद रखिएगा उसको एटमोस्फियर कहते हैं ठीक है अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट द अर्थ अर्थ को सराउंड कर रहे हैं बट इसमें क्या क्या आता है इसमें गैसेस हैं रिमेंबर बहुत सी गैसेस से मिलकर एटमॉस्फेयर बना हुआ आपका डस्ट है वाटर वेपर भी इसमें है रिमेंबर ठीक है तो बहुत कुछ मिलकर आपका एटमॉस्फेयर बनता है रिमेंबर है ना अब ये एटमॉस्फेयर अगर अर्थ में है तो ये अर्थ से बाहर क्यों नहीं चला जाता अर्थ में ही क्यों है क्यों क्योंकि आपको पता है अर्थ में ग्रेविटेशनल पुल है remember. तो यार ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो एटमोस्फियर है वो आपके अराउंड है वो बाहर नहीं जा रहा है फ्रॉम तो आपको आपको हार्मफुल क्या दैट इज हीट ऑफ सन ऑफकोर्स क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारी गैसेज वगैरह आपके एटमोसफियर में पाई जाती है और वो जो हार्मफुल फॉर एग्जाम्पल रेडिएशन होते हैं उनको रोकने का काम करती है तो बिल्कुल एटमोस्फियर आपको प्रोटेक्ट करता है ठीक है नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है चेंज इन द एटमोस्फियर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट मतलब अगर आपका एटमोसफियर चेंज होता है तो आपको वेदर और क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं बट पहली बात याद रखिएगा यहां पर क्लाइमेट मतलब होता है लॉन्ग टर्म जिसको वेदर और क्लाइमेट में फर्क नहीं पता वेदर होता है शॉर्ट टर्म कहने का मतलब जैसे विंटर सीजन चल रहा है तो याद रखिएगा क्लाइमेट विंटर सीजन मतलब चार पांच महीने का है तो वो हुआ क्लाइमेट रिमेंबर विंटर सीजन इज अ क्लाइमेट रिमेंबर बट शॉर्ट टर्म जैसे अभी बारिश हुई एकदम से हट गई रिमेंबर तो ऐसा नहीं कि रेनफॉल सीजन चला बारिश का मानसून चल रहा है अभी कुछ देख ले बारिश हुई शॉर्ट टर्म है तो अभी वेदर जो है वो फॉर एग्जाम्पल बड़ा ही टर्मोइल है बारिश हो रही है रिमेंबर सो वेदर शॉर्ट टर्म होता है और जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है ये मैंने आपको ऐसी एडिशनल बता दिया ओके okay? अब पॉइंट क्या लिखा था कि अगर एटमोसफियर में चेंजेस होंगे याद रखिए अगर एटमोसम में चेंजेस होंगे तो याद रखिएगा आपके वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज होंगे कैसे दे लेटा सपोज एटमोफेर में कैसे चेंज हो गया लेटा सपोज आपने बहुत सारी गाड़ियां यूज कर रहे हैं आप ठीक है फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं पेट्रोल डीजल ये सब बर्न कर रहे हैं गाड़ियां चला रहे हैं रिमेंबर तो क्या होगा बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड किस में चली जाएगी ऑफकोर्स एटमोस्फेर में चली जाएगी कंसनट्रेशन एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाएगा और थोड़ा बहुत आपने पढ़ा पढ़ाओ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनेशन बढ़ गया रिमेंबर सो इट विल लीड टू वॉट दैट इज ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि आपको ही पता है कि हीट तो आ जाती है अर्थ में फिर जब वापस जाती है तो ये जो गैसेज रहती हैं एटमोस्फेयर की याद रखिएगा ये हीट को वापस नहीं जाने देती

नहीं क्या आप सिर्फ लैंड में रह सकते बिना पानी वगैरह एयर के नहीं क्या आप सिर्फ एयर में रह सकते हो बिना पानी और बिना लैंड के नहीं तो मतलब तीनों जगह लाइफ पॉसिबल नहीं है ठीक है पर ये तीनों कहाँ ऐड हो रहे हैं ये वाले पॉइंट पर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल ये वाले पॉइंट पर ठीक है जहां पर आपको एटमोसफियर लिथोसियर और हाइड्रोसफियर तीनों का मिक्सिंग हो रहा है और इस वाले

मतलब एटमॉस्फेयर जो आपस में इंट्रैक्ट करते हैं विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ रिमेंबर उस नैरो जोन को हम क्या कहते हैं दैट इज बायोस्फीयर जहां पर लाइफ पॉसिबल है ओके तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट तो ये हो गया आपका क्या नेचुरल एनवायरमेंट जो मैंने पढ़ा दिया आपको अब हम आगे बढ़ते हैं इको सिस्टम में इको सिस्टम क्या होता है बहुत सिंपल सी मैं आपको एक्सप्लेन करता इको सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर इंट्रैक्शन होता है सारे लिविंग बींग्स का चाहे प्लांट एनिमल्स हो उसका क्या होता है इंट्रैक्शन होता है किससे विथ ईच अदर आपस में इंट्रैक्शन होता है प्लांट्स और एनिमल्स का रिमेंबर ठीक है एंड प्लांट्स एनिमल्स का आपस में इंट्रैक्शन होता है प्लस विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स मतलब ए बायोटिक रिमेंबर जैसे डेटर सपोज एक ह्यूमन बींग है ठीक है दूसरा ह्यूमन बींग है आपस में इनका इंट्रैक्शन हो रहा है प्लस इनका इंटरेक्शन एनवायरमेंट से भी हो रहा है एनवायरमेंट मतलब जो कि याद रखिएगा फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट जैसे कि नॉन लिविंग जैसे आप लैंड मान लीजिए एयर मान लीजिए वाटर मान लीजिए इनका इंटरेक्शन इससे भी हो रहा है मतलब आपस में भी इंट्रैक्शन और प्लस ए uh, बायोटिक्स से भी इंट्रेक्शन मतलब केमिकल और केमिकल uh, और फिजिकल फैक्टर से भी इंट्रैक्शन रिमेंबर इन विच दे लिव रिमेंबर तो इकोसिस्टम क्या हुआ आपस में इंट्रैक्शन याद देखिएगा लिविंग बींग्स का आपस में इंट्रैक्शन और इंट्रैक्शन विद द एन्वायरमेंट विद द एनवायरमेंट कहने का मतलब विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट जैसे कि एबायोटिक फैक्टर्स के साथ आपका इंट्रैक्शन रिमेंबर और इससे होता क्या आपस में इनकी एनर्जी ट्रांसफर होती है क्यों बिल्कुल होती है आप देखिए सन की हीट आपके पास आएगी आपको एनर्जी मिलेगी रिमेंबर ठीक है प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है ठीक है प्लांट को सन से सनलाइट मिलेगी तो फोटो का प्रोसेस होगा रिमेंबर तो बिल्कुल एनर्जी ट्रांसफर होता है आप इस प्लांट को खाएंगे आपको एनर्जी मिलेगी तो ऑफकोर्स एनर्जी ट्रांसफर होती है रिमेंबर एंड मटेरियल ऑफकोर्स मटेरियल एनर्जी दोनों ट्रांसफर होती है आप इस प्लांट्स को भी खा सकते हैं रिमेंबर सो मटेरियल एनर्जी दोनों ट्रांसफर होती है तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं इको तो इको क्या हुआ रिमेंबर इंट्रैक्शन लिविंग ऑर्गेजम का आपस में और विद द फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट जैसे कि ए फैक्टर रिमेंबर है ना और जो इससे क्या होगी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी होगी ये भी आपको याद रखना है कि आपस में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी होगी और तो मटेरियल का भी ट्रांसफर होगा ऐसे पूरे सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम रिमेंबर ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अब देखिए मैंने भी लिखा ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स की मैं बात कर रहा हूं लिविंग बीइंग्स की बात कर रहा हूं रिमेंबर डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग क्या वो अपने सराउंडिंग पर डिपेंड करते हैं बिल्कुल डिपेंड करते हैं एक प्लांट का एग्जाम्पल लेता हूँ कैक्टस फॉर एग्जाम्पल वो कहाँ पर होता है वो सिर्फ डेजर्ट एरियाज में होता है क्योंकि उसको वहीं की कंडीशन शूट करती है एक पोलर बियर एक एनिमल की बात करता हूँ ये कहाँ मिलते हैं ये आपको मिलेगा कोल्ड एरियाज में ही दिखेंगे तो मतलब बिल्कुल अपने सराउंडिंग पर अब यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल कैक्टस को ले जाए तो क्या कैक्टस यहाँ पर ग्रो हो पाएगा कोल्ड uh, uh, एरियाज में नहीं क्योंकि इसको इसकी सराउंडिंग जो है वो उसको सूट नहीं करेगी तो ये बात सही है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो इमीडिएट सराउंडिंग पर डिपेंड करते हैं प्लस आपस पर भी इंटरडिपेंडेंट रहते हैं ठीक है आप तो आप कह रहे हो सर बिल्कुल आप इको की फिर से बात कर रहे हैं ऐसे कुछ अभी आपने इको बताया था कि आपस में इंटरेक्शन और इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग तो बिल्कुल वही तो मैं बात कर रहा हूँ फिर से दोबारा एक और डेफिनेशन ले रहा हूँ ऑफिन दे आर ऑल्सो तो डिपेंड इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर आपस में भी डिपेंडेंट हो रिमेंबर कि जो प्लांट्स होंगे फॉर एग्जाम्पल उन्हीं को देख के फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग वहाँ पर रहेंगे क्योंकि वो उनके लिए फूड का सोर्स है रिमेंबर तो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं और सराउंडिंग्स पर भी डिपेंड होते हैं रिमेंबर ठीक है रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनि के साथ इंट्रेक्शन देखा और बिटवीन द ऑर्गेनिजम इसी को हम क्या कहते हैं इको सिस्टम कहते हैं रिम्बर दैट इज नोन एज इको सिस्टम ठीक है तो आई होप आपको समझ में आए होगा वॉट इज इको सिस्टम ठीक है तो एक बार और मैंने डेफिनेशन थोड़ा और क्लियर कर दिया ठीक है दे कुड बी एन इको सिस्टम ऑफ लार्ज रेनफॉल अब कुछ इकोसिस्टम के एग्जांपल मैं आपको बताता हूं एक लार्ज रेन फॉरेस्ट इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट उस रेन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं लेट अस सपोज लार्ज इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट ठीक है तो इस रेन फॉरेस्ट में कुछ प्लांट्स होंगे कुछ एनिमल्स होंगे रिमेंबर है ना यहां पर हम बोले कुछ टाइप के जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती होगी फॉर एक्जाम्पल वही एनिमल वही प्लांट्स होंगे जो एग्जिस्ट कर सकते हैं वही ह्यूमन बींग्स होंगे फॉर एग्जाम्पल तो ये एक रेन फॉरेस्ट जो हो गया एक इकोसिस्टम हो गया ठीक है ग्रासलैंड एक इकोसिस्टम हो गया डेजर्ट एक इकोसिस्टम हो गया जिस कंडीशन पे प्लांट्स एनिमल्स आपको मिलेंगे माउंटेन लेक रिवर ओशन इवन एक स्मॉल लेक भी एक इकोसिस्टम हो सकती है क्योंकि वहां पर भी आप उस लेक में भी डिफरेंट एनिमल डिफरेंट प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे और डिफरेंट टाइप के ह्यूमन बींगस भी उस एरिया में रहेंगे रिमेंबर ठीक है तो ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ईको क्या होता है होप आपको समझ में आ गया होगा इको का मतलब क्या होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और एनवायरमेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी ओके आगे अब ह्यूमन एनवायरनमेंट जो अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था एक्टिविटीज करते हैं क्रिएशन करते हैं और इंट्रैक्शन करते हैं यही मैंने आपको बताया था अब यहां पर और डिटेल में जाते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है देखिए ह्यूमन बींगस इंट्रैक्ट विद द एनवायरनमेंट बिल्कुल ह्यूमन बींग्स एनवायरमेंट से इंट्रैक्ट करते हैं कैसे लेटर सपोज एक एनवायरमेंट का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं मेरे आसपास जो है लेट अस सपोज लेक ठीक है मुझे प्यास लगी है तो मैं क्या करूंगा यूज ऑफ वाटर गोइंग नियर लेक मतलब मुझे पानी का यूज करना है तो मैं लेक के पास जाऊंगा ठीक है तो मेरा एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन हो गया कि नहीं क्योंकि लेक एक फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट था और मैं वहां जाकर पानी पीने चला गया ठीक है क्योंकि मुझे पानी चाहिए था रिमेंबर तो ह्यूमन बींग्स एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं रिमेंबर एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू दरअ नीड और अपनी नीड के अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हैं लेना सपोज मुझे प्यास लगी है पानी की जरूरत है तो मैं क्यों जाऊं लेक मैं यहीं पर क्या करूंगा बोरवेल करूंगा पानी निकाल लूंगा मतलब मैंने क्या किया एनवायरमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपना नीड जो थी वो पूरी कर ली रिमेंबर तो इसी को हम क्या कहते हैं याद रखिएगा ह्यूमन एनवायरमेंट ठीक है तो एक बेसिक डिफिनेशन ह्यूमन एनवायरमेंट की ये भी है कि ह्यूमन बींग्स एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसे कि आज देखिए आज आपने एनवायरमेंट का क्या क्या यूज़ कर लिया है एनवायरमेंट से क्या क्या चीज़ें यूज कर रहे हो आप कभी उस यूज के चक्कर में आप उसको एक्सप्लॉयड भी कर रहे हो ये भी एक इश्यू है ह्यूमन बींग्स कार बना रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना पैदल कैसे जाओगे कार्स बना रहे हो मिल्स फैक्ट्रीज बना रहे हैं है ना कंटेनर्स बना रहे हैं लैंड बनाए जा रहे हैं फैक्ट्रीज मतलब लैंड को यूज किया जा रहा है फैक्ट्रीज के लिए तो मतलब एनवायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं जैसे आप देखेंगे पहले की टाइम करूँ अर्ली टाइम्स की अगर बात करूं तो लोग इतना एनवायरमेंट का इस्तेमाल नहीं करते थे ठीक है वही नेचर में रह जाते थे बट आप अब देखो प्लांट्स कट कर रहे हैं रोड बनाने के लिए बिल्डिंग्स बन रही हैं तो ये कह सकते हैं दिस इज आउल ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरमेंट अब आज की डेट में ह्यूमन बींगस एनवायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं रिमेंबर सो ह्यूमन एनवायरमेंट क्या हुआ ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं एनवायरमेंट के साथ और मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड ओके तो ये आपके डेफिनेशन यहां पर मैंशन है ठीक है अर्ली ह्यूमन्स की बात करें तो याद है कि वो बड़ी सिंपल लाइफ लीड करते थे ठीक है उनको जो भी चीज आज तो कुछ, कुछ डराव नहीं करते थे जिससे उनको बेनिफिट हो बहुत सिंपल सेटल लाइफ जो थी वो डील करते थे पर मॉडर्न्यूमन की बात करें आज उनका टेक्नोलॉजी है रिमेम्बर ठीक है so उनकी नीड बढ़ गई है नए नए तरीके निकाली किस तरह का यूज किया जा सकता है याद रखेगा उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना एग्रीकल्चर करना रिमेंबर एनिमल्स को पालना डोमेस्टिकेट करना रिमेंबर सेटल लाइफ अब वो एक जगह रहते हैं ये सब उन्होंने अब मॉडिफाई कर लिया रिमेंबर पहले वो ऐसा नहीं करते थे बट अब आज के में दिखाया तो वो वो भी चेंजेस ला रहे हैं अब आप देखिए और क्या चेंज हो गया व्हील इन्वेंट हो गया ठीक है ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी चालू बना दी सरप्लस फूड रहता है तो उसको स्टोर करके रखते हैं कभी और आगे काम आएगा ठीक है बाटर सिस्टम बना लिया बाटर सिस्टम मतलब बिना पैसे के रिमेंबर आपस में गुड्स को एक्सचेंज कर लेते हैं कि तुम्हें यह चाहिए मुझे यह चाहिए आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं रिमेंबर तो so, बाटर सिस्टम ट्रेड वगैरह स्टार्ट कर दिया तो so, आप देख रहे हैं ना किस तरह की चीजें अब आज की ह्यूमन बींग्स ने स्टार्ट कर दिया है रिमेंबर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था ओके इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन आ गया लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहे हैं ठीक है ट्रांसपोर्टेशन आज की फास्टर हो गया है कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है ठीक है स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड याद ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड याद रखिएगा आई टी आ गया तो बहुत से चेंजेस अब ह्यूमन बींग्स ने कर दिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड रिमेंबर तो ये आपका ह्यूमन एनवायरमेंट एक तरीके से यहां पर लिखी हुई चीजें ओके okay? और लास्ट में आप देखेंगे बट आज की में नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट का आपको एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए लाइफ में याद रखिएगा ऐसा ना हो कि ह्यूमन बीइंग्स इतना मॉडिफाई कर दें किसको एनवायरनमेंट को और इतने गलत तरीके से यूज करें कि उसका ओवर एक्सप्लेशन हो आपको एनवायरनमेंट को हारमोनियस वे में याद रखिएगा एक्सप्लेशन नहीं करना उसको बेटर बैलेंस करके आपको उसका इस्तेमाल करना है ओके okay, तो यहां पर आपका जो चैप्टर था ये कंप्लीट होता है बट आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट डू मीन बाय दिस ऑल थिंग जो मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट हमने डिस्कस किया ओके okay, इन सब नेचुरल और ह्यूमन uh, एनवायरमेंट हमने डील किया ठीक है नेचुरल एनवायरमेंट में भी मैंने आपको बताया बायोटेक ए बायोटेक और भी चीज़ें हमने लिटोशिया वगैरह इसके डोमेन डिस्कस किए और ऐसे ही मैंने आपको डिस्कस किया क्या दैट इज ह्यूमन एनवायरमेंट जिसमें हमने ह्यूमन मेड एनवायरमेंट देखा ह्यूमन इंट्रैक्शन देखे वो भी ह्यूमन एनवायरमेंट में ही काउट होता है ठीक है तो इको की डेफिनेशन भी देखी ओके आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा बट स्टिल कोई डाउट क्वेरी है तो आप एक बार एनसीआरटी भी रीड कर सकते हो यही सब लिखा हुआ है एनसीआरटी में आप एक बार रीड करो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कोई डाउट क्वेरी आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं थैंक यू